हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चैत्र नवरात्रि 2023 21 या 22 मार्च कलश स्थापना जाने सही तिथि। नवरात्रि से पहले घर जरूर लाएंगे एक चीज। शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है। 2 बार नवरात्रि प्रत्यक्ष रूप में मनाई जाती है तो वहीं 2 बार गुप्त नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। हर साल चैत्र नवरात्रों का आरंभ शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होता है। आज हम आपको साल 2023 में चैत्र नवरात्रि व घट स्थापना की सही तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि, पारण कब किया जाएगा और नवरात्रि के दौरान किन चीजों को घर लाना शुभ होता है, इस बारे में बताएंगे। चैत्र नवरात्रि शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि का पर्व 22 मार्च बुधवार से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च रात्रि 10:52 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 22 मार्च रात्रि 8:20 पर। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 22 मार्च प्रातःकाल 6:21 से प्रातःकाल 7:43 तक। अष्टमी तिथि होगी 29 मार्च को। नवमी तिथि होगी 30 मार्च को। नवरात्रि का पारण कब होगा? हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 22 मार्च से हो रहा है जिसका समापन 30 मार्च को होगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि का पारण 31 मार्च को दशमी तिथि के दिन किया जाएगा। कलश स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। मान्यता है कि कलश स्थापना हमेशा ही शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बोलें और इसमें ही जल से भरे कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश में स्वास्तिक बना लें। अब इसमें साफ जल भरकर कलश में सिक्का, धूप, सुपारी और चावल डालकर कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध लें। कलश के ऊपर अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं और फिर एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर विधिवत माता शैलपुत्री की पूजा करें। नवरात्रि में घर ले आएंगे एक चीज। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। वास्तु शास्त्र अनुसार कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें यदि आप नवरात्रि से पहले घर लेकर आते हैं तो आपको माँ की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान या नवरात्रि से पहले घर में सोने चांदी का सिक्का, माँ की प्रतिमा, कमल का फूल, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, मोरपंख, केले का पौधा घर लाकर लगाना और नित्य इसकी पूजा करना व श्रीफल लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे साल भर आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।